पता नहीं बहन जी क्या, मतलब लोग कहते हैं कि प्रेशर में है, मुझे नहीं मानता बहन जी, हैरन लेडी है बहन जी के नाम पर जो है 80,000 गुंडों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था, बहन जी कैसे दबाव में आ सकती है, मेरा मुझे नहीं लगता ऐसा है। मतलब उस टाइम जिस टाइम सरकार आती थी बहन जी की आती थी, उस टाइम 3.5 लाख लोगों से ऊपर लोग जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ चले गए थे, उनसे दोष दिया था या तो तुम उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर क्या नाम है गलत काम करना बंद कर दो, ऐसा हुआ। तो जो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े डॉन थे, तो बहन जी प्रेशर में होंगी ऐसा मुझे नहीं लगता, नंबर एक। नंबर दो, बहन जी तो खुद कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ एक सन्यासी जीवन जी रही है, उनके पास क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लोग कहते हैं प्रॉपर्टी का क्या नाम है आरोप लगाते हैं भैया भतीजों के लिए। अच्छा, नंबर दूसरा, भतीजे हैं क्या नाम आकाश आनंद जी हैं, मेरा सब मानना है कि वो इतने क्या नाम है एक्सपीरियंस्ड नहीं है, इतना तराशे हुए नहीं है, जो रोड पर क्रांति करेगा, रोड पर सड़क जब खामोश हो जाए तो सत्ता आवारा हो जाती है, आज उसी की आवश्यकता है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां हाथों को तोला नहीं गिना जाता है। तो आकाश आनंद जी को पूरी तरह निखरना चाहिए, एकदम सर पर कफन बांध के आना चाहिए, जनता इंतजार कर रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कितना नहीं क्या आप इंतजार कर रही हैं, किसको देख रही हैं और किस चीज से डर रही हैं? आपको मीडिया तो छोड़िए, पूरा देश की कोई भी ताकत छू नहीं सकती है, लाशें बच जाएंगी पूरे देश के अंदर अगर बहन जी से कुछ मिला, किसी ने कहा भी या कुछ भी बात करी। ओके, बहन जी को लोग पहले ही मानते थे, अभी मानते हैं, लेकिन बहन जी को एक ऑफेंसिव मूड में, मतलब बहन जी को आना चाहिए था, बहन जी को जबरदस्त तरीके से चारों तरफ जो है एक नए युवाओं को लगाम देनी चाहिए थी, नए लगाम को तैयार करना चाहिए था, नए युवाओं को पूरी तरीके से अगर नहीं मिल रहे तो ढूंढना चाहिए था, और ढूंढ लिए गए होते तो उनको कहना उनको तैयार करना चाहिए था, जिससे कि पूरे देश के अंदर चाहे किसी प्रकार के लोग हों, हर जिले में हर मंडल पर जो है पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर जो क्या नाम है काम होना चाहिए था। अगर बहन जी काम कर दी, और मैं ये कहना चाहता हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, अगर बहन जी आज भी अगर सोच लें, बहन जी अगर आज भी सोच लें तो महीना एक नहीं लगना है राष्ट्रीय पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत अच्छे मुकाम पर हासिल करने के लिए। नमस्कार, मैं ओमदेव, आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं दिल्ली मेट्रो के पूर्व इंजीनियर चंद्रवीर जी। चंद्रवीर जी, बहुजनों की राजनीति कहाँ जा रही है? BSP राष्ट्रीय पार्टी है, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली। आखिर वोट बैंक कहाँ गया BSP का? BSP की राजनीति किधर जा रही है, क्या सोचते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है, मानर काशीराम साहब के बाद में इसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। जो एक बार सरकार आई थी तो मानर काशीराम साहब की एक उनको एक श्रद्धांजलि दी गई थी लोगों द्वारा, और मानर काशीराम साहब 2006 में एक्सपायर हुए थे, 2007 में सरकार आती है, उसके बाद में डाउनफॉल होता है इसमें। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती से मेरे कुछ सवाल हैं, क्या किया जाए, क्योंकि सवाल तो लाजमी हैं, बनते हैं। आज हमारा वोट परसेंटेज 9 पर आके अटक गया है, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हमारी रही है, और अभी भी ये पता नहीं संशय में हूँ कि है या नहीं है, क्योंकि अभी एक भी सीट नहीं है, वोट परसेंटेज भी डाउन हुआ है, लेस देन 4% भी आया है ऑल इंडिया लेवल पर, जिससे कहना राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बना रहेगा। तो बहुत उत्तर प्रदेश को आप देखते हैं, अगर बहन जी ने कोई सही रणनीतियाँ, जैसे मेरा मानना, चलो मान लो गठबंधन, मैं भी तैयार नहीं गठबंधन करने के लिए, हम गठबंधन क्यों करें? कांग्रेस हमारा गठबंधन कैसे हो सकता है? हमारा गठबंधन समाज से गठबंधन है, पार्टियों से गठबंधन नहीं है। BSP 2012 के बाद से लगातार चुनाव हार रही है। BSP 2012 का चुनाव हारी, 14 का हारी, और जो है 17 का हारी, 19 का हारी, 24 का हारी। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, वहाँ भी इनके सीटें थी BSP की, वो भी हार गई। उसके बावजूद BSP सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इन हार को ध्यान में रखते हुए पार्टी में क्यों कोई बदलाव नहीं किए, पदाधिकारी में क्यों कोई बदलाव नहीं किए, पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं किए, क्या सोचते हैं आप? हाँ, आपने सही कहा कि लगातार हमारे चुनाव, मतलब पार्टी चुनाव हार रही है, चाहे 22 का हो चाहे 24 का, 12 साल से लगातार हार रही है, लगातार रहे। मेरा ऐसा मानना है कि हार महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम तो हारे हुए पहले बैठे हुए थे, लेकिन अगर आप कहना चाहते हो तो मैं सकारात्मक रवैया इसमें अपनाऊंगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बहन जी सही तरीके से सही लोगों को जिम्मेदारी देती हैं और कोई गलती होती है तो निखारें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उनको पूरी तरीके से। बहुत सारे युवा आज की डेट में घूम रहे हैं, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हमारे पास में लोगों की कमियां थी, हमारे पास में मतलब एक बहुत अच्छे और बहुजन क्या नाम बहुजन समाज पार्टी बस कैडर बेस लोग रहे हैं, जिन्होंने मानव काशीराम साथ में कैडर किया है, बाम से बहुत कद्दावर लोग रहे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी इसमें लगाई है, और मेरा ऐसा मानना है आज भी लोगों की कमी नहीं है, आज भी जनता ऐसी नहीं है, पूरे सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। बहन जी सिर्फ एक बार इशारा करें तो हार महत्वपूर्ण नहीं है, जो कुछ हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो कुछ हो चुका है हो चुका है, लेकिन आज की डेट में अगर बहन जी चाहेंगी तो ये सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। चंद्रवीर जी, एक सवाल ये भी है कि BSP से लोग निकाले जाते हैं, वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक निकाल दिए जाते हैं, और वो निकले हुए विधायक और सांसद दूसरी पार्टियों में आज डिप्टी CM तक बन गए हैं BJP में। बहन जी ने सिर्फ अपने नेता निकाले हैं, दूसरी पार्टियों से उस हिसाब से लिए क्यों नहीं नेता? आखिर पार्टी में निकाले जाएंगे, पार्टी की भरपाई तो पूरी होनी चाहिए ना। जी, जी।
नहीं आप बात सही कह रहे हैं, निकाले जाएंगे कहीं ना कहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि उन लोगों को कुछ कमियाँ रही होंगी, लेकिन खुद बहन जी पर भी मैं कुछ सवाल, मतलब बहन जी के उस पर नहीं, बहन जी ने बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए, आज हम जिस स्थिति में है वो प्रचार नहीं हो पाया उन कामों का। हाँ, तो मेरा कहना मानना है कि वो लोग जो निकाल दिए हैं कोई बात नहीं है, वो लोग सही नहीं होंगे, और लोगों को भर्ती करना चाहिए था, और लोगों को लेना चाहिए था। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आज भी, मैं पिछले 15 साल से रूट पर काम कर रहा हूँ, गाँव गाँव गया हूँ, उधर बहन जी के द्वारा नगीना में भी मुझको भेजा गया था, हमको भेजा गया था, और हमने पूरी तरह से काम किया था। तो जो जमीन है वो आज भी पूरी तरीके से जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए मरने मटने के लिए तैयार है। वो लोग ये कहते हैं चाहे कुछ भी, हम गड्ढे में जा रही तो गड्ढे में वोट डाल देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ वोट नहीं देंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की कहानी है, उन लोगों का कहना है। तो मैं बस केवल बहन जी से कहना चाहता हूँ कि बहन जी किस वजह का इंतजार कर रही है, आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ और लोग आपके पीछे आने के लिए तैयार है। बसपा नेताओं पर आरोप रखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेटर है सफेद कपड़े पहनते हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कैडर कैंप नहीं लगा रहे हैं, आज लोगों से नहीं मिलते हैं, पीड़ितों से नहीं मिलते हैं, दुख दीन दुखियों से नहीं मिलते हैं, इसलिए इनसे इनका वोट भी छिटकता जा रहा है। हाँ, ये बहुत सही कहा आपने, ये नालायक उन लोगों ने जो है बंटा धार किया इस पार्टी का, ये नालायक लोग हैं जो अपनी पेट भरने के लिए, अपना जेब भरने के लिए काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर हो चाहे जिलाध्यक्ष हो चाहे पदाधिकारी, जो बड़े बड़े लेवल पर पदाधिकारियां हैं, उन लोगों ने इस तरह काम किया है, जिन्होंने बहन जी का विश्वास खोया है और उन लोगों ने इस तरह पार्टी डुबाने काम किया है। वो लोग बीच जनता के बीच गए नहीं, खुद कैडराइज नहीं थे, वो अपनी झोली भरने में लगे रहे और क्या नाम है सांसद MLA MP या कुछ अच्छे राज्य मंत्री बनने पर लगे रहे वो लोग, और पैसा बटोरने पर लगे रहे वो लोग जो है। BSP बीजेपी की बीटी बन गए 2024 में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहता। बीजेपी की BSP के लोग कह रहे हैं, वो लोग जो बीजेपी के लोग हैं वही इस बात को प्रचारित कर रहे हैं। बी टीम नहीं, अपनी रणनीतियां हैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की। मैं बस ये कहना चाहता हूँ बुरादौर आता है, और ये बुरादौर कुछ भी नहीं है। बहन जी अगर चाहें तो आज भी सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर बहन जी ने दे दिया तो आज की डेट में पूरे देश के अंदर क्रांति मच जाएगी। और स्टेटमेंट छोड़िए, अगर बहन जी अगर रोड पर आ गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा पूरे देश के अंदर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी कोई हो। लोग कहते हैं कि बहन जी डरती हैं ED से, CBI से। मैं ऐसा तो खैर नहीं मानता कि बहन जी, क्योंकि पहले तो बहन जी क्लीन चिट हैं, उन पर कोई, इस पर कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार कोई करप्शन का कोई नहीं है, पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है। लेकिन अगर ऐसा भी है तो मैं कहना डर किस बात का, आप डरती इस बात, आपको कोई क्लीन चिट है, आप पूरी तरह कोई आरोप नहीं आप पर नहीं है, वो आप तो वैसे ही सन्यासी जीवन आप जीती हैं, पूरे भंते रूप में आप जीती हैं, तो फिर डर किस बात का। आइए मैदान में, और जनता आपका इंतजार कर रही है पूरी तरीके से। हमें रूट लेवल की बात बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज भी बहन जी के नाम पर, काशीराम साहब के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर गर्दन कलम कर देंगे, ऐसे लोग हैं अभी भी। और पूरे पूरे ऐसा नहीं, एक आधो बात कर रहा हूं, ऐसे सारे के सारे लोग, वोट परसेंटेज अभी खिसका नहीं है, ये सिर्फ टेंपरेरी क्या नाम है रिप्लेसमेंट हुआ है वोट परसेंटेज का, वोट परसेंटेज गया नहीं है, वो लोग आज भी वहां पर हैं। लोगों के मन में इस तरह की बातें फैलाई गई मीडिया द्वारा, मीडिया पूरी तरीके से बीजेपी कब्जे में है, कांग्रेस के कब्जे में है, पूरी तरीके से संविधान का ड्रामा किया गया राहुल गांधी द्वारा। तो ये लोग वोट परसेंटेज हमारा खिसका नहीं है, वोट परसेंटेज डूबा नहीं है, वोट परसेंटेज हमारा खत्म नहीं हुआ है, वोट परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस हुआ है, जो कि आज भी वहीं पर है। अगर बहन जी कोई अच्छा स्टेप लेती हैं तो निश्चित रूप से जो है वोट परसेंटेज मतलब 9 की जगह 20% हो जाएगा, 21% हो जाएगा। लेकिन 2022 के बाद से 2024 में भी बहन जी ने बयान दे दिया कि हमने टिकट दिए मुस्लिमों को, लेकिन हमें बदले में वोट नहीं दिया मुसलमानों ने। हाँ, ये आपने मुसलमानों के बारे में आपने जो सवाल छिड़ करके अच्छा किया। आज़ादी के वक्त में मुसलमान जो है 33% से ऊपर जो है पूरे भारत की क्या नाम है जो व्यवस्था में सामाला क्या नाम हिस्सेदार था, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे क्या नाम किसी प्रकार का, चाहे सर्विसेज में हो, चाहे किसी भी हिस्सेदारी में, पूरा 33%। आज मुसलमान 2% से नीचे रह गया है। तो इसमें दो जिम्मेदारी हैं, या तो कांग्रेस जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया था वो कांग्रेस हाँ, कांग्रेस शासनकाल में आया था, बचा कोचा बीजेपी ने कर दिया, और बीजेपी ने तो मुसलमानों का बहुत बड़ा सत्यानाशी करने मतलब तुली हुई है। तो कांग्रेस क्या नाम मुसलमान आज भी, अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को हराना है, इसके खिलाफ वो कांग्रेस को सोचता है, तो मेरा ऐसा मानना वो गलत सोचता है, क्योंकि कांग्रेस जो ही कांग्रेस के टाइम में मुसलमानों का सबसे बड़ा क्या नाम है नुकसान हुआ है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सत्ता में या भागीदारी में या नौकरी में सर्विस में, वो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो कांग्रेस के राजकाज में हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है, मुसलमान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि न तो कांग्रेस में, न भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का नाम ही मत लीजिए, बीजेपी तो भयंकर खिलाफ मुसलमानों के है और दलितों के खिलाफ है। बीजेपी जो काम करती है, कोई भी एजेंडा हो, वो मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के दलितों की इकलौती राष्ट्रीय पार्टी BSP को खत्म करने के लिए ही कांग्रेस ने और बीजेपी ने चाल चली और उसको इतना बदनाम कर दिया कि BSP का वोट 21-22 से 9% पे आ गया उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 2% पे आ गया। लोगों में डर है कि दलितों की राजनीति खत्म करने के लिए ही
बीएसपी को जो है इतना धरातल में पहुंचा गया है मनुवादी पार्टियों के द्वारा। हाँ, पूरी तरह से मिली भगत है पैसे वाली पार्टी। आप देखिएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन का नाम है, प्रमाणित है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास अंबानी है, अडानी है, उसके पास में बहुत बड़ा टाटा बिरला डालमिया जैसे उद्योगपति हैं, बहुत सारी पार्टी पास में क्या है। कांग्रेस तो पहले से सत्तासीन पार्टी रही, सत्ताधारी पार्टी रही, तो उसके पास तो पहले ही पूरा साम्राज्य भरा पड़ा है कांग्रेस का। दलितों की राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल ये कॉन्स्पिरेसी है बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में लोगों ने ऐसा एजेंडा बनाया कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया जाए। क्या उस कांग्रेस से गठबंधन किया जाए जिस कांग्रेस ने संविधान में ठोके भाव संशोधन कर दिए? क्या उस कांग्रेस से क्या नाम है गठबंधन किया जाए जिस कांग्रेस, वही कांग्रेस बाबा साहब के खिलाफ में काम करती थी, उस बाबा साहब के खिलाफ में महात्मा गांधी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने सारा काम पूना पैक्ट कराया था, वो कांग्रेस ने कराया था, कांग्रेस उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार थी। और आज उसकी वजह से क्या नाम है दलितों की यहाँ पर राजनीति पूरे देश के अंदर खत्म हो रही है। तो ये बीजेपी कांग्रेस मिलकर के ये काम कर रही है।